दोस्तों आज है मेरे पास अर्बन कंपनी का 20,000 mAh वाला मिनी पावर बैंक और ये 22.5 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसको मैंने लगभग एक साल पहले परचेज किया था, तो इसकी पहले मैं अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना चुका हूँ और उसके बाद एक महीने बाद का मैंने इसका रिव्यू शेयर किया था। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसका ना एक साल बाद का आपके सामने रिव्यू शेयर करूँ कि एक साल बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है इसको परचेज करने का, क्या कोई दिक्कत आई है चार्जिंग वगैरह में या इसकी बिल्ड क्वालिटी में। और मैंने देखा है कि YouTube पर इसके लॉन्ग टर्म वीडियो कोई अवेलेबल भी नहीं है, आफ्टर एक साल की तो है भी नहीं, होगी भी तो 2-3 महीने वाली पड़ी है या लोगों ने इसकी अनबॉक्सिंग बनाई हुई है। तो सोचा क्यों ना आज के टाइम में इसकी वीडियो बनाई जाए और आप लोगों की कुछ हेल्प हो सके अगर आप इसको परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप एक 20,000 mAh का छोटे साइज का फास्ट चार्जिंग वाला पावर बैंक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो सके इसके बारे में। तो देर ना करते गणेश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इसमें इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो उसमें मैं बिल्कुल हैप्पी हूं, मुझे यहां पर कोई भी शिकायत नहीं है। गिर भी चुका है कहीं से भी, इसकी जो है गम बोलो या जॉइंट बोलो कुछ भी इसका ओपन नहीं हुआ है। सबसे बड़ी खासियत इसकी क्या है, इसके ऊपर जो रबराइज मटेरियल है, नॉर्मली आपको ऊपर मेटल या प्लास्टिक मिलते तो गिरने से टूट जाते हैं, डेंट पड़ जाते हैं, लेकिन इसमें रबराइज मटेरियल है, इसमें अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो मुझे परेशान करे। हाँ हल्का फुल्का जैसे सुई की नोक के बराबर हल्का हल्का छिल सा गया है, बिकॉज रबराइज मटेरियल है तो हल्का फुल्का कहीं स्क्रैच होता है, गिरता है पत्थर वगैरह पे, वो होना देखो लाजमी है, उतना तो होगा ही, लेकिन वो भी इतना कि आपको दिखेगा नहीं क्योंकि कलर इसके ऐसे चूज किए गए हैं। तो बिल्ड क्वालिटी में भाई और कलर कॉम्बिनेशन है वहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं होगी। एक बटन आपको दिया हुआ है साइड में, उसको आप डबल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा और डबल क्लिक करेंगे तो आप चार्जिंग को ऑफ कर सकते हैं और 4 पॉइंट आपको चार्जिंग के यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक जो है USB टाइप ए पोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है जिससे आपकी 22.5 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। 2 आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलते हैं, दोनों से आप इनपुट भी ले सकते हैं, दोनों से आप आउटपुट भी ले सकते हैं, तो उसमें कोई भी शिकायत आपको नहीं होने वाली है। नेक्स्ट अगर इसी की बिल्ड से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ सेफ्टी की, तो ये अब दोस्तों BIS अप्रूव्ड है तो वहाँ पर भी कोई आपको शिकायत नहीं होने वाली है। ऊपर से 12 लेयर की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलती है, कौन कौन सी प्रोटेक्शन है मैंने आपको स्क्रीन पर दे दी है। तो ओवरहीटिंग, ओवरचार्जिंग, आग लगने का, प्लेन में ले जाने की सेफ्टी, आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है। तो बिल्ड क्वालिटी ऑल ओवर भाई बहुत ज़बरदस्त है, आपको 0% भी शिकायत नहीं होगी। और मैं ये एक साल यूज़ करने के बाद बोल रहा हूँ, इसको मैं भाई ठंडी से ठंडी जगह ले जा चुका हूँ, गर्म से गर्म जगह ले जा चुका हूँ, ट्रैवलिंग कर चुका हूँ, ट्रेन में जा चुका हूँ, कहीं भी मुझे कोई शिकायत नहीं आई है। अगर इसकी वेट की बात करूँ तो पहली बात इसका साइज़ देखिए बहुत छोटा है, एक आप क्रेडिट कार्ड लेंगे ना डेबिट कार्ड लेंगे उससे कॉर्नर से यानी चारों तरफ से हल्का हल्का बड़ा है, आपको एकदम ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बैग में रखो, पॉकेट में रखो, हाईवन हाथ में रखो, आजकल तो 10,000 mAh के पावर बैंक इतने बड़े होते हैं कि आप इसको हाथ में नहीं रख पाते हैं, बट भाई इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वेट की बात करूँ तो कंपनी जो क्लेम करते हैं 293 ग्राम है इसका वेट, लेकिन लगभग आपको 300 ग्राम इसका वेट देखने को मिलेगा, तो 300 ग्राम के आसपास है, तो भाई एक मोबाइल जैसा ही आपको फील होगा और आपके हाथ में इस तरह से आ जाता है भाई, देखो कितना छोटा सा है, तो पॉकेट में भी आपका आराम से आ जाएगा। तो ये तो होगी ऑल ओवर बिल्ड क्वालिटी की बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ जो बहुत लोगों को जाननी है, और आपको जनरल चीज़ें ही बताऊंगा कि क्या क्या मुझे फील हुआ इतने लॉन्ग टाइम के बाद। और मेन चीज़ चार्जिंग ही है भाई, चाहे इसको चार्ज करना हो या मोबाइल को चार्ज करना हो। तो सबसे पहले चार्जिंग की अगर बात करूँ तो भाई ये क्विक चार्जिंग और PD चार्जिंग दोनों सपोर्ट करता है, तो चार्जिंग बहुत मस्त यहाँ पर होती है। सबसे बड़ी खासियत मुझे इसकी क्या लगी है, जब भी आप किसी मोबाइल को या किसी चीज़ को भी चार्ज कर रहे हो और इसकी अगर बैटरी खत्म होने लगे तो आप इसको भी साइमल्टेनियसली चार्ज लगा सकते हो। एक साइड में आप मोबाइल चार्ज कर रहे हो और एक साइड में प्लग में लगा के आप इसको भी चार्ज कर सकते हो, दोनों चीज़ें चार्ज हो रही है, ना ही आपका पावर बैंक खत्म होगा ना ही आपका मोबाइल खत्म होगा। तो ये चीज़ मुझे बड़ी काम की लगेगी भाई। और बहुत लोगों का ये पूछना रहता है कि क्या इसमें टैबलेट चार्ज कर सकते हैं, क्या इसमें आईपैड चार्ज कर सकते हैं, क्या लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, मैकबुक, तो हाँ भाई आप इसमें सब चीज़ें चार्ज कर सकते हो। इससे आपका टैबलेट भी चार्ज होगा, आपका किसी भी कंपनी का मोबाइल चार्ज होगा, आपका मैकबुक भी इसमें चार्ज होगा, आपका आईपैड भी इसमें चार्ज होगा, तो उसमें कोई भी शिकायत नहीं है। तो इसके अलावा अब जब तीनों में एक बार में चार्ज लगाएंगे तो चार्ज डिवाइड हो जाता है, तो उसमें आपको सब में फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी, और मेनली फास्ट चार्जिंग आपको 22.5 वोल्ट की USB टाइप ए में ही मिलती है, USB वाले पोर्ट में। बाकी में टाइप सी वाले में आपको 18 से 20 वोल्ट की चार्जिंग देखने को मिलती है, और तीनों में आप एक साथ लगा दें तो डिवाइड हो जाती है। थोड़ा कुछ मोबाइल होंगे जो हो सकता है 10 वोल्ट ले लें, कुछ हो सकता है 7 वोल्ट ले लें, कुछ हो सकता है 5 वोल्ट ले लें, तो इस तरह से डिवाइड हो जाती है, सब में फास्ट चार्जिंग नहीं होती है। और लिथियम पॉलीमर बैटरी का यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इसको चार्ज होने में कितना टाइम लगता है।
देखिए कंपनी ने जो क्लेम किया है कि 5 घंटे के आसपास इसको चार्ज होने में टाइम लगता है, तो 5 नहीं लगता है भाई, 6 से 6.5 घंटे और कई बार 7 घंटे भी लग जाते हैं। तो ठीक है भाई इसके हिसाब से, वरना आपको 10-10 घंटे लगा के रखना पड़ता है पावर बैंक को। तो आप इसको किसी भी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, 33 वोल्ट से भी कर ले, कुछ भी कर ले। इसमें सेंसर लगे हैं भाई, चिप लगी है, तो आपको परेशानी नहीं होगी, फास्ट चार्जर से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। बट जितना इसको लेना भाई ये उतना ही लेगा। तो लगभग आप ये लगा के चलिए, एवरेज अगर मैं बताऊं तो लगभग 6-6.5 घंटे में ये पूरा चार्ज हो जाता है। तो बहुत ठीक है यार, इतनी भी बोलूंगा कि खराब तो क्या, अच्छी चीज़ है कि 6-6.5 घंटे में आपका एक 20,000 mAh का पावर बैंक चार्ज हो रहा है। तो भाई बहुत बड़ा साइज है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, वरना 20,000 mAh के पावर बैंक पूरी रात ले लेते हैं चार्ज होने में। और अब बात करें थे कि मोबाइल को कितनी बार ये चार्ज कर सकता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताऊँ, थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, निराशा होगी, 20,000 mAh पावर बैंक है, बट भाई इसमें आपको लगभग 13,500 या 14,000 mAh ही देखने को मिलता है। सब में ऐसा है, ऐसा नहीं कि इसमें ऐसा है, 10,000 का आप लेके आएंगे तो उसमें आपको 6 से 6.5 हज़ार mAh देखने को मिलेगा। बिकॉज ये खुद की चार्जिंग भी यूज़ करते हैं, यानी खुद को जो है काम करवाने में, क्योंकि जब ये काम करेगा तो भाई इसके अंदर भी तो काम चल रहा है ना, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो उसमें ये एनर्जी खर्च करता है। तो आपको 14,000 के लगभग आपको इसमें कैपेसिटी देखने को मिलती है। तो अगर आपके मोबाइल की बैटरी लगभग 4,500 mAh की है, तो लगभग ये लगा लीजिए कि 3 बार उसको चार्ज कर देगा आराम से। तो ठीक है भाई, तो इतना तो होता ही है, और सब में होता है, ऐसा कुछ नहीं कि इसने अलग से दिया है। तो अब बात करते हैं कि इसको परचेज करना चाहिए या नहीं चाहिए 2024 में। तो भाई मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है, अगर आप एक पावर बैंक ढूंढ रहे हैं छोटे साइज में और जो 22.5 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करे और ले जाने में काफ़ी कॉम्पैक्ट हो और एक अच्छी कंपनी का हो, तो भाई डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं। और अर्बन कंपनी के मैंने काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, तो मुझे कोई शिकायत नहीं आई। हाँ एक आध शिकायत मैंने देखने को मिली है, जो मुझे भी फील हुई थी जब मैंने इसका बड़े वाला वर्जन मंगवाया था, जो नैनो नहीं था, जो बड़े वाला था। तो होता क्या है, कई बार जो है चार्जिंग में ना दिक्कत आती है, क्या ऐसा होता है, बहुत लोग की शिकायत भी है, मुझे कमेंट भी करते हैं कि हमने इसको चार्ज किया है तो हमने इसको 2 दिन रख दिया तो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो गया था, तो क्या उसका कोई बटन होता है बंद करने का? तो भाई इसका कोई बटन नहीं होता बंद होने का, या ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। हाँ अगर इसको डबल टैप करेंगे तब बंद कर सकते हैं चार्जिंग को, तो अदरवाइज खुद भी बंद हो जाता है। तो मेरे में कोई शिकायत नहीं हुई है, मैं इसको चार्ज करके अभी मैंने इसको शायद 1 महीने बाद यूज़ किया है, जैसा पड़ा था उतनी की उतनी चार्जिंग मुझे मिली है। ये शिकायत मुझे कभी कभी मिलती है अर्बन कंपनी के पावर बैंक से रिलेटेड, मुझे मिलती है, वो किसी किसी में आते। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी चार्जिंग डिस्चार्ज हो रही है या ढंग से चार्ज नहीं कर रहा, तो आप तुरंत उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। आप वेट मत कीजिए कि मेरा ठीक होगा या कुछ होगा। हाँ एक और मुझे शिकायत देखने को मिली है कि ये कंपनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करती है, ये मतलब इस टाइप की कंपनी। तो भाई वो सब में है, जितनी भी कंपनियाँ हैं इनमें छोटी मोटी दिक्कत सब में रहती है, इनकी आफ्टर सेल सर्विस को लेकर, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो जब तक चल रहा है प्रोडक्ट, जब दिक्कत आती है तो थोड़ी आपको कठिनाई होती है रिप्लेस वगैरह कराने में, वारंटी क्लेम करने में, 1 साल की वारंटी देखने को मिलती है, तो आपको ईमेल वगैरह करना पड़ता है, सलूशन मिल जाता है, पर थोड़ा टाइम लगता है। बिकॉज ये भाई इतनी वास्टली जो है स्प्रेड कंपनी नहीं है, कस्टमर बेस इतना ज़्यादा नहीं है कि तुरंत आपके अमेजन वगैरह की तरह या जो रियलमी है या सैमसंग है उसकी तरह आपकी हेल्प कर सके, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। बट आपको तुरंत आपको देखना है, जैसे आपने मंगवाया है उसमें दिक्कत है या नहीं है, एक दिन में आपको पता चल जाता है दिक्कत आ रही है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो पैसे वापस मंगवा सकते हैं भाई, आप किसी और कंपनी का खरीद सकते हैं, बट आपको तुरंत करना है, विद इन 1 वीक के अंदर आप कर लीजिए, क्योंकि टेक वाले चीज़ों पे 1 हफ्ते की वारंटी मिलती है। बट इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके भाई इसको आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात तो डिपेंड करता है, फिलहाल इसका प्राइस 2000 चल रहा है, तो 2000 से 2300, 2400, कभी 2500, यानी 200-250 के बीच में स्विच होता रहता है, बट अभी 2000 चल रहा है। तो अगर आपको पावर बैंक चाहिए और 20,000 mAh का मिनी पावर बैंक चाहिए, तो भाई डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो। ये मैं क्लेम क्यों कर रहा हूँ कि क्यों बाय करें, क्योंकि 1 साल मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, बहुत अच्छे से रगड़ के यूज़ कर चुका हूँ, तो मुझे कोई भी भाई शिकायत नहीं हुई है, काफ़ी मस्त चल रहा है, बिंदास चल रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बस सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, 3 साल हो गए हैं अभी तक 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, इसलिए नहीं हो रहा कि आप वीडियोस देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हो कि आपके भाई का चैनल आगे बढ़े, कोई ब्रांड भी हमारे तक पहुंचे, तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अभी तक कोई ब्रांड भी अपने पास नहीं आता है भाई, खुद ही परचेज करना पड़ता है, इसलिए वीडियो भी कम आती है। लास्ट वीडियो आप देखेंगे 1 महीने पहले बनी थी, 35 डेज पहले, इसलिए बनी थी भाई क्योंकि खुद के प्रोडक्ट खुद ही वीडियो बनाने पड़ते हैं परचेज करके, तो ब्रांड वगैरह तो आते नहीं हैं और इनकम भी नहीं आती है, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो इस इन्फॉर्मेशन के साथ गुड बाय।